हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल सिविकॉन्सेप्ट्स। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम घर बनाते हैं तो उसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और बाकी सब मटेरियल की क्वांटिटी क्या लगती है, ठीक है। वही दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों घर जब बनाते हैं और खुद से घर जब बनाते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल खुद परचेस करते हैं और हम जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है किसी कॉन्ट्रैक्टर या फिर मिस्त्री को दे देते हैं। दोस्तों ये सब ऐसा करने का मेन रीजन तो यही है कि हम लोग चाहते हैं कि हम हमारे जो घर है उसमें मटेरियल की क्वालिटी को मेंटेन रखें, जिससे दोस्तों हमारा घर मजबूत बने। और जब हम पूरा कॉन्ट्रैक्टर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं तब दोस्तों वो क्या करता है, उसमें अपनी बचत ढूंढता है, मटेरियल कम यूज करता है, सीमेंट कम यूज करता है, जिससे दोस्तों हमारा जो घर है वो शुरुआत में तो सही लगता है पर बाद में वो दोस्तों कमजोर पड़ने लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए हम खुद से मटेरियल जो है वो परचेस करते हैं। तो अब खुद से मटेरियल परचेस करेंगे तो हमें जानना तो जरूरी होगा और हमारा जो बजट है वो भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि हमें जो खर्च होने वाला है वो कितना होने वाला है, सीमेंट बैग कितनी लगेगी, रेत कितनी लगेगी, बजरी कितनी लगेगी, ठीक है। तो वही दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर हम घर बना रहे हैं, ठीक है, तो घर बनाने में दोस्तों करीबन अगर 100% हम खर्च होता है तो उसमें से 60-65% जो है दोस्तों हमारा मटेरियल कॉस्टिंग होता है, मतलब और बाकी का जो 30-35% है वो हमारा क्या होता है, लेबर कॉस्ट है वो हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो 60% है मटेरियल कॉस्ट है उसमें मेनली जो पार्ट होता है, राइट, 60% में ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट होता है, मतलब आधे से ज्यादा पार्ट 30% जो है वो दोस्तों सीमेंट, रेत और बजरी का ही कॉस्ट होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम इसमें कुछ बचत कर पाए। तो हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं दोस्तों उसमें जो सीमेंट है, राइट, सबसे पहले बात करेंगे सीमेंट की, तो सीमेंट करीबन दोस्तों 390 से 430 या फिर 20 बैग तक हमें कंज्यूम हो जाती है। ऑन एवरेज आप पकड़ सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम घर बनाते हैं तो उसे हमें 400 बैग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसमें थोड़ा 10-20 कम या ज्यादा हो सकते हैं पर 1000 स्क्वायर फीट के घर अगर बनाएंगे तो उसमें दोस्तों हम करीबन 400 बैग की सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब सीमेंट की क्वालिटी की बात करें तो सीमेंट हमें परचेज करनी चाहिए 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट बैग पर लिखा होता है तो आप जरूर चेक करिए, सीमेंट बैग पर ओपीसी 53 लिखा होना चाहिए। उसमें दोस्तों एक ब्रांड का नाम होना चाहिए, अच्छा ब्रांड परचेज कीजिए। मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी सीमेंट, राइट, ये सारे जो स्टैंडर्ड कंपनी है उनका ही सीमेंट आपको परचेस करना चाहिए। कोई भी लोकल कंपनी का सीमेंट परचेस करोगे तो उसकी क्वालिटी में दोस्तों हमें मतलब उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है, उसकी एश्योरिटी नहीं होती। बट ये जो स्टैंडर्ड कंपनी है ये खुद जो है अपनी सीमेंट की जो क्वालिटी है वो चेक करते हैं और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट करिए, ओपीसी 53 यूज करिए, ठीक है, और पीपीसी भी यूज कर सकते हैं बट फाउंडेशन के सिवाय प्लास्टरिंग वगैरह में आप पीपीसी यूज कर सकते हैं। बट आप खुद का घर बना रहे हैं तो आप ओपीसी यूज करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सीमेंट के बाद हम बात करेंगे कि हमें रेत, मतलब बजरी रेत की कितनी जरूरत पड़ेगी, सैंड की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो सैंड दोस्तों हमें जरूरत पड़ती है, देखो कंक्रीट बनाएंगे फाउंडेशन में वहां जरूरत पड़ेगी, फिर ब्रिक वर्क करेंगे फाउंडेशन या फिर ऊपर वहां पे जरूरत पड़ेगी, प्लास्टर में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रेत की जो जरूरत है वो दोस्तों बहुत ज्यादा होगी। तो करीबन 1000 स्क्वायर फीट में हम जो काम करते हैं उसमें करीब 15 से 20 ब्रास जो है हमें जो रेत है उसकी जरूरत पड़ जाती है। तो 1000 स्क्वायर फीट में करीब एवरेज 18 ब्रास जो है हमें रेत पकड़ लेनी चाहिए कि इतनी रेत हमें रिक्वायर्ड होगी घर बनाने के लिए, 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए। उसके बाद बात करेंगे, अब रेत में भी दोस्तों दो प्रकार की अभी आने लगी है, एक तो व्हाइट सैंड जो होती है वो, और दूसरी दोस्तों हम ब्लैक सैंड उसे कहते हैं, तो वो है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप अभी जो व्हाइट सैंड है हमारी वो ज्यादातर पॉपुलर है तो वही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो नर्मदा जो रेती बोलते हैं यहाँ पर वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है क्योंकि उसकी साइज भी रेगुलर होती है और बहुत अच्छी होती है। और इसमें सॉल्ट जो है ये नदी की रेत, मतलब नदिया की रेत होती है जिससे दोस्तों इसमें जो सॉल्टीनेस है वो बहुत कम होती है, जबकि ब्लैक सैंड जो दोस्तों है उसमें सॉल्टीनेस हो सकती है जिससे बाद में क्या होता है प्लास्टर हमारा निकल सकता है, ठीक है।
तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो 18 बार के करीब हमें रेत की जरूरत पड़ेगी। बजरी की बात करें, मतलब एग्रीगेट की बात करें, तो वो दोस्तों करीबन हमें लगती है 10 से 15 ब्रास जितनी, ठीक है। एक ब्रास बराबर 100 स्क्वायर फीट आप पकड़ लीजिए, एक ट्रैक्टर आप पकड़ लीजिए कि एक ट्रैक्टर जो स्टैंडर्ड ट्रैक्टर होता है, राइट, वो 100 स्क्वायर फीट का अगर है, और उसकी डेप्थ भी करीबन दोस्तों 1 से 1.5 फीट है, तो वो दोस्तों हम एक ब्रास पकड़ते हैं। तो एक ट्रैक्टर बराबर एक ब्रास आप पकड़ लीजिए, तो 13.5 ऑन एन एवरेज हमें बजरी जो है, मतलब एग्रीगेट जो है, ये 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम बर्ग बनाएंगे तो उसमें लगने वाली है। उसके बाद करेंगे, उससे बात करेंगे दोस्तों Fe 500 स्टील की, मतलब स्टील जो लगने वाला है, सरिया जो लगने वाला है, तो सरिया दोस्तों हमें करीबन 3 से 5 टन के करीब लगता है ऑन एन एवरेज, डिपेंड ऑन द स्टील कौन सा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी दोस्तों अलग अलग ग्रेड के स्टील आते हैं, जैसे कि Fe 500, Fe 415। तो आप खुद का घर बना रहे हैं तो 500 का ही ग्रेड का ही स्टील यूज कीजिए, वो ज्यादा मजबूत आता है Fe 415 से, ठीक है। तो जो घर हम बनाते हैं उसमें स्टील जो की जो क्वांटिटी होगी वो करीबन दोस्तों ऑन एन एवरेज 4 टन हमें स्टील चाहिए, अगर 1000 स्क्वायर फीट का हम घर बना रहे हैं। अब ईंट की बात करें, ईंट तो दोस्तों हमें पूरे घर में लगने वाली है और उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा रहेगी। ईंट का मार्केट रेट अभी जो चल रहा है कई जगह पे अलग हो सकता है, हमारे यहाँ 4.5 रुपए से लेके 7 रुपए तक का रेट है अच्छी जो घर बनाने वाली जो ब्रिक होती है उसकी बात करें तो ये हमें लगने वाली है करीबन दोस्तों 25,000 से लेके 34,000 तक की ब्रिक्स हमें यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। तो इतनी ब्रिक्स का तो आप अंदाजा लगा लीजिए, 25 से 34 हजार तक की ब्रिक आपको लगने वाली है, तो उसका खर्चा आप निकाल लीजिए कितना खर्च आएगा, 4.5 की तरह से और 30,000 ब्रिक पकड़ लीजिए और 4.5 या 5 रुपए के हिसाब से आप उसका कॉस्टिंग निकाल लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे घर बन गया, अब उसके पेंट का जो खर्च आएगा, तो अंदर की दीवार पे दोस्तों हर डबल लगता है, ठीक है, क्योंकि दीवार का जो पार्ट है, ठीक है, वो डबल हो जाता है, तो इसकी वजह से उसमें तो पेंट की क्वांटिटी लगने वाली है अंदर की साइड वो 0.14 लीटर पर स्क्वायर फीट, मतलब 0.14 लीटर पर स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगी। बाहर की दीवार पे सिंगल कोट या डबल कोट में दोस्तों 0.04 लीटर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें पेंट की जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करेंगे दोस्तों, कई बार होता है ये जो दोस्तों 1000 जो कॉन्ट्रैक्टर को अगर मटेरियल और लेबर दोनों हम दे देंगे तो ये करीबन आपको 1100 से लेके 1200 1500 2000 तक का रेट दोस्तों मार्केट में चलता है। जो कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों कम रेट में काम करेंगे तो वो समझ लीजिए वो आपके मटेरियल में चोरी करेंगे या फिर कुछ भी कोई चोरी, मतलब वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान जरूर रखना कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट दे तो एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए जो आपके घर की गुणवत्ता बनाए रखे, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके जो पुराने काम है वो देख सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं कि इसने कैसा काम किया है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। इस तरह से आप मार्केट में जाके घूम कर उसके जो काम है वो चेक करिए, उसके बाद ही उसे काम देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों है कि हमें जो 1000 स्क्वायर फीट अगर आप घर बनाएंगे तो उसमें हमें कितना मटेरियल लगेगा, तो ये सब बेसिक मटेरियल है। बाकी दोस्तों प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल और जो आप इंटीरियर कराएंगे उसमें तो खर्च होने ही वाला है, ठीक है। बट मेन जो हमारा घर है ये सारे मटेरियल जो है मेजर होते हैं जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा एक वीडियो, मुझे बहुत डिमांड थी इस वीडियो की कि 1000 स्क्वायर फीट के घर बनाने में मटेरियल की क्वांटिटी हमें बता दीजिए। तो हाँ, ये वीडियो दोस्तों उनके लिए था जो ये जानना चाहते थे कि 1000 स्क्वायर फीट में बनाने में कितना खर्च आता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविकॉन।